नमस्कार मैं एस के यादव और आप देख रहे हैं पोइट्री एंड यू हेलो नमस्ते एंड अ वेरी वॉम वेलकम दिस इज यूट्यूब चैनल पोएट्री एंड यू एंड यू आर वाचिंग अभिव्यक्ति आज हमारे बीच हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर एस के यादव हु इज द सीनियर फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर अभिव्यक्ति पर आपका स्वागत है यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद लैब एकेडमिया को और पोट्री एंड यू को कि कैमरे के पीछे के इंसान के एक इंसान को आप कैमरे के सामने आज प्रस्तुत कर रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद कैसे हैं सर आप बहुत अच्छे सर हम आपको सीनियर फैकल्टी के तौर पर जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मीडिया स्टडीज़ में जी। तो सर आपकी शुरुआत कैसे हुई मीडिया स्टडीज़ में आने की आपका सफ़र कैसा रहा वैसे तो जिन दिनों मुझे विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया उस उसके पहले तक मैं मीडिया इंडस्ट्री में था 18 साल तक मैंने एज ए फोटो जर्नलिस्ट काम किया मीडिया में विभिन्न अखबारों में मीडिया हाउसेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश का पहला कोर्स शुरू किया था पीजी डिप्लोमा इन फ़ोटो जर्नलिज़्म और उन्हें किसी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो जिनका मीडिया इंडस्ट्री में अच्छा अनुभव हो पर्टिकुलरली फ़ोटो जर्नलिज़्म में तो जब विश्वविद्यालय ने मुझे कॉल किया और मुझे इस जिम्मेदारी को सौंपने के बारे में मुझसे चर्चा की तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि मेरा शुरू से ही फ़ोटोग्राफ़ी का जो एकेडमिक एरिया है उधर मेरा रुझान रहा भी। है और मैं शुरुआत से ही फ़ोटोग्राफ़ी को स्टूडियो और कॉमर्शियल क्षेत्र से निकाल करके उसे एकेडमिक और फील्ड में और आर्ट गैलरी की तरफ ले जाने की बहुत कोशिश करता रहा तो वो जो मेरा बैकग्राउंड था उसके कारण सम्भवतः विश्वविद्यालय ने मुझे ऑफर किया और इस तरह से मेरी फिर एंट्री हो गई तो सर पहले आप मीडिया में थे फिर आपने एकदम से स्विच किया और आप एक फैकल्टी हैं यूनिवर्सिटी में तो ये सफ़र कैसा रहा शुरू में बहुत मैं कसा कसा महसूस करता था मुझे लगता था कि फोटो जर्नलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं होती पूरा विश्व उसके सामने है और एक अच्छे फ़ोटो जर्नलिस्ट का सपना होता है कि वो पूरी दुनिया अपने कैमरे से कैप्चर करें दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो रहा है न्यूज़ वर्दी हो रहा है उसे अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को पाठकों को दिखाए। लेकिन जब विश्वविद्यालय के सिस्टम में मैं आया तो मुझे एक चार दीवारी के अंदर आकर के और एक सिस्टम के तहत क्लासरूम एक्टिविटी में जाना था जाना। तो मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा दिन यहाँ टिकूँगा नहीं और कुछ दिन तक यहाँ बिताने के बाद मैं जल्दी ही स्विच ओवर करके किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर चला जाऊँगा लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे फोटोग्राफी की टीचिंग की पर्टिकुलरली जो मेरा विषय है फोटो जेलें की मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है विश्वविद्यालय स्तर पर तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर टिकना चाहिए और फोटो जर्नलिज्म को प्रोफेशनल फील्ड में अच्छी तरह से पहचान बनाने और अच्छे फोटो जर्नलिस्ट तैयार करने के लिए जरूरी है कि मैं यहाँ पर रुकूँ और बाद में फिर ये मुझे बहुत रुचिकर लगने लगा और तब से मैं फिर यहीं पर हूँ तो सर आप इतने वर्षों तक इस फील्ड में रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस रहे हैं आपके लिए या सोसाइटी के लिए इस फील्ड में क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं फोटोग्राफी की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो शुरुआत में तो मैं शौक के रूप में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डिप्लोमा दो साल का डिप्लोमा कोर्स चलता था तो तब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैंने मेरा शौक़ था फ़ोटोग्राफी तो अच्छी तरीके से सीखने के लिए मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दो साल का फोटोग्राफी डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया था तब मुझे पता चला कि देश में इकलौता या एक आध और कोर्स हैं जो दो साल का फ़ोटोग्राफी डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं चला। यानी फ़ोटोग्राफी स्टडी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तब विश्वविद्यालय स्तर पर काम नहीं हुआ नहीं। था नहीं। तो मैंने शौक के तौर पर ही उस समय ज्वाइन किया था लेकिन जैसे जैसे फ़ोटोग्राफी सीखता गया मुझे लगा कि अभी तो सीखने की बहुत संभावनाएं हैं और ये जो मेरा शौक़ था ये सर चढ़ के बोलने लगा तो शुरुआत में मुझे फोटोग्राफ़ी में चैलेंज ही चैलेंज नज़र आ रहा था बताने सिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं अपने शहर और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी बातचीत करने चर्चा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं ले दे करके वही विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट जहाँ पर सिर्फ जो छात्र पढ़ने जाते हैं और जितने दिन तक वो पढ़ते रहते हैं बस उसी दौरान फोटोग्राफी पर जो कुछ काम हो रहा है हो रहा है वहाँ से निकलने के बाद फोटोग्राफी की कोई एक्टिविटी नहीं एक्टिविटी थी भी फोटोग्राफी में तो सिर्फ कॉमर्शियल और स्टूडियो वाली एक्टिविटी थी और आगे ब्लैंक था तो चैलेंजेज इतना था कि हम जिस जो मेरा शौक़ है बाद में पता चला कि फोटोग्राफी के आर्ट के फील्ड में पूरे दुनिया भर में बहुत सारे काम हो रहे हैं और अपना जो उत्तर प्रदेश है पर्टिकुलरली और इलाहाबाद वहाँ कोई नगर में काम हो रहा था तो मुझे लगा कि मुझे अब अपने फील्ड में आगे जाने के लिए अपने जो मैं काम कर रहा हूँ फोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में उसको कहीं मैं शेयर करने के लिए भी प्लेटफॉर्म नहीं था जब मैं इस फील्ड में फ़ोटोग्राफ़ी के फील्ड में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आगे तो बिल्कुल सन्नाटा है शून्य है इलाहाबाद में फ़ोटोग्राफी की कोई सामूहिक एक्टिविटी नहीं होती थी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो मैंने 1986 में जयपुर में इंडिया इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफिक काउंसिल की अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मैंने अटेंड किया मैंने इस काउंसिल की सदस्यता ली उसके बाद इलाहाबाद में फ़ोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से एक फ़ोटोग्राफ़ी संगठन बनाया अपने मित्रों और सीनियर लोगों के साथ मिल के जब ये संगठन बन गया तो धीरे धीरे इलाहाबाद के फ़ोटोग्राफरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी में क्या कुछ हो रहा है उसे जानने समझने का मौका मिला मिला हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ किए फोटोग्राफी प्रदर्शनियाँ आयोजित होने लगी और ये ग्रुप एक्टिविटी का फ़ायदा ये मिला कि राष्ट्रीय स्तर के जो स्थापित फ़ोटो जर्नलिस्ट थे मैं ओ पी शर्मा जी का नाम लूँगा पद्मश्री ओ पी शर्मा जी इलाहाबाद हाँ आए उन्होंने यहाँ पर कार्यशालाएँ की उसके बाद यहाँ के फोटोग्राफर्स भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और सम्मेलनों में जाने लगे तो इस तरह से ग्रुप एक्टिविटी का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने इलाहाबाद को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पहचान दी तो सर अगर कोई स्टूडेंट मीडिया स्टडीज में इंटरेस्टेड हो फोटो जर्नलिज्म कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो आपके हिसाब से इस फील्ड में स्कोप क्या है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है बच्चों के लिए देखिए सन 2003 में मैं विश्वविद्यालय आया था टीचिंग सिस्टम में उस समय मैं खुद भी बहुत श्योर नहीं था कि फोटोग्राफी को कितना सीरियसली स्टूडेंट लेंगे उस समय टेक्नोलॉजिकल विस्फोट था मीडिया के क्षेत्र में टेलीविज़न तेजी से कदम बढ़ा रहा था नए नए न्यूज़ चैनल्स रोज खुल रहे थे जो स्टूडेंट आते थे विश्वविद्यालय वो सपना लेके आते थे कि उन्हें टीवी चैनल ज्वाइन करना है लिखने वाले पत्रकार को रिपोर्टिंग की जॉब को काफ़ी रिकॉग्निशन थी सम्मान था टीवी चैनल के रिपोर्टर को सम्मान था लेकिन जो कैमरा हैंडल करते हैं फोटोग्राफी और टेलीविज़न के कैमरामैन उनको कोई रिकग्निशन नहीं थी बहुत बाद में अभी चलन चला है जब आप अब खबर देखते हैं तो उसमें नाम आता है कि कैमरा पर्सन एंड शो के साथ मैं एंड शो रिपोर्टर हुँ, हु, अभी हुँ। कैमरा पर्सन का नाम लेते हैं हाँ। उस जमाने में तो कैमरा पर्सन का नाम भी नहीं लेते थे फोटोग्राफी को बहुत ही कमतर देखा जाता था तो मुझे लगा कि कौन चाहेगा कि प्रोफेशनली इतना लो प्रोफाइल पर जो प्रोफेशन है फोटोग्राफी उसे लोग क्यों अडाप्ट करना चाहेंगे ये 2003 के दौरान की बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आया इंटरनेट कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ी वैसे वैसे एकदम सीनेरियो बदल गया है अभी सब कुछ विजुअल ओरिएंटेड हो गया विजुअल कम्युनिकेशन ने जबरदस्त तेज़ी से कदम बढ़ाया और अब विजुअल्स के बगैर ना तो कोई इंटरटेनमेंट होगा ना कोई न्यूज़ होगी ना अखबार चलेगा ना मैगज़ीन चलेगी और ना ही कोई टेलीविज़न तो विजुअल पर ही आधारित है तो जब विजुअल्स की तरफ अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मीडिया का तो विजुअल की इम्पोर्टेंट बढ़ी जब विजुअल की इम्पोर्टेंस बढ़ी तो वीडियो और स्टिल दोनों के लिए प्रोफेशनली स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा बढ़ तो अब पहले फ़ोटो जर्नलिज्म का मतलब लोग समझते थे सिर्फ अखबार का फोटोग्राफर अखबार में फोटोज अभी इतना विस्तृत क्षेत्र है फ़ोटो जर्नलिज्म का कि सिर्फ फील्ड में कैमरा लेकर के भाग के फोटोग्राफी नहीं करनी है ख़ास करके जो वूमेन हैं महिलाएं हैं लड़कियां हैं उनके लिए फ़ोटोग्राफी और फ़ोटो जर्नलिज्म शुरू उन उन दिनों लगता था कि उनके लिए ये कैरियर नहीं है और कोई शुरुआती दौर में लड़कियां जाती भी नहीं थी फ़ोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी अब आज के ज़माने में फ़ोटोग्राफी का इतना स्कोप है और इतना फील्ड वेरिएबल वै, फील्ड हैं अखबार है मैगज़ीन है ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है वेबसाइट्स हैं प्रोडक्शन हाउसेस हैं ऑनलाइन सेल का जो पूरी दुनिया है वो सब टिकी हुई है फोटोग्राफ पर फोटोग्राफी पर तो अभी क्या है कि स्कोप इतना ज़्यादा है विजुअल कम्युनिकेशन का और पर्टिकुलरली फोटोग्राफी का कि जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसे एक्सप्लोर करें और इसे अपने प्रोफेशन प्रोफेशन के रूप में अडॉप्ट करें सर मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से और विजुअल का इम्पोर्टेंस बढ़ने से अब स्कोप बेहतर हो गया जी है। बिल्कुल सर आप एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं आपने एग्जिबिशंस किए मीडिया कवरेज किया साथ ही अभी आप टीचिंग फैकल्टी में हैं तो इतना कुछ करते रहने का पुश कहाँ से आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ सामान्य काम कर रहा हूँ आपको अगर लगता है कि एनर्जेटिक काम है तो अच्छी बात है जहाँ तक इतना कुछ करने की बात है तो बचपन से ही चूँकि मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ लेकिन जो पारिवारिक संस्कार मिले हैं मुझे वो मुझे बोलते हैं कि मुझे शांत नहीं बैठना है मुझे कुछ करना है और बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं हूँ तो मेरा वजूद मेरा इम्पैक्ट पता चलना चाहिए सोसाइटी में उसके लिए कुछ विशेष तो नहीं किया मैंने इतना ज़रूर किया कि मुझसे जो कुछ मैं कर सकता हूँ अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना है और उसे समूह के लिए करना है इंडिविजुअल के लिए नहीं जब मैं ऐसा करने लगा पर्टिकुलरली इसको मैं जोडूंगा जब मैं इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में आया तो दो चीज़ों से मेरा जुड़ाव हुआ एक मैंने एनसीसी ज्वाइन करी नेशनल कैडेट कोर वहाँ पर मुझे समूह के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ मुझे सिखाया गया एनसीसी का एक मोटो है इनिशिएटिव लेना कि एनसीसी जो व्यक्ति कर लेता है वो सीख जाता है कि वो उसे भीड़ के बीच उसी को इनिशिएटिव लेना है उसे पहल करनी है तो पहल करना मैंने सीखा और उस पहल करने की वो फिर आदत में शामिल हो गया और मैं फील करने लगा कि जहाँ भी मैं हूँ जिस भी तरह की सोसाइटी में हूँ अगर वहाँ कोई टास्क है तो भीड़ पहल नहीं करेगी हम ही को पहल करना यह सिखा दिया गया था तो मैं इनिशिएटिव लेने लगा हालांकि मैं अपने को बहुत साधारण मानता था लेकिन इनिशिएटिव लेने से एनर्जी संचित करनी होगी एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा और मुझे लगने लगा कि जब मैं इनिशिएटिव लेता था तो मेरा साथ देने वाले ढेर सारे लोग मिलते थे अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाते हैं तो आपको आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ चलेंगे और उनको आपको बराबर की तवज्जो देनी होगी लीडरशिप होना आपके अंदर और लीडर बन करके दूसरे को नीचे करना ये एक अलग बात है अगर आप लीडर बन के सभी को लीडर मान के साथ में लेके चलेंगे में चलें। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मुझे भी अपने फोटोग्राफी के फील्ड में हुआ कि इनिशिएटिव लेने के साथ साथ मुझे बहुत सारे सहयोगी मिलते गए जिनसे मुझे ऊर्जा मिलने लगी और कई बार तो ऐसा हुआ हमारे बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी मुझे आइडेंटिफाई किया क्योंकि उन्हें भी एक नए युवा फोर्स की ज़रूरत है उनके अपनी परिकल्पनाओं को आगे ले जाने के लिए और मुझे उनसे अनुभव उनके अनुभव का लाभ मिलने लगा तो इस तरह से एक टीम वर्क मिल की तरह हम लोग काम करने लगे काम और मैंने सोसाइटी के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा काम इसी से कर पाया कि मैं इनिशिएटिव इनिशिएटिव ले लेता था और लोगों को अपने साथ जोड़ करके काम करने उनकी उनका सहयोग लेकर के आगे बढ़ने में टीम को साथ बनाने और टीम को आगे लेकर के चलने में जो मेरी एक पर्सनल अपनी प्रशिक्षण था अपनी तैयारी थी उससे मुझे मदद मिली सब बहुत अच्छी बात है इसी क्रम में आपको अवार्ड ऑफ एक्सिलेंस 2019 में मिल चुका है तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा मुझे हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि मैंने जितना किया है अपने क्षेत्र में उस हिसाब से मुझे समाज में रिकॉग्निशन नहीं मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था मुझे उसके पीछे मैं ही कारण भी था सेल्फ प्रमोशन के लिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया प्रतियोगिताओं में मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था बहुत फोटोग्राफीज़ के कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें मैं भाग लेकर के अपनी पहचान बना सकता था मैंने कॉन्टेस्ट में ज़्यादा भाग नहीं लिया मैं ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता था तो जब मैं विश्वविद्यालय में आया और लंबा अरसा बीत गया वहाँ भी मुझे पढ़ाने का तो ये बात सन 2019 के कुंभ के दौरान की है मैंने पहली बार अपनी सोलो एग्जीबिशन लगाई थी कुंभ पर कुंभ कथा के नाम से और वो बढ़िया माहौल था पूरे विश्व में कुम्भ पर चर्चा हो रही थी तो वो एक अच्छा मौका था तो जैसे ही नया साल शुरू हुआ तीन और चार जनवरी 2019 को मैंने कुम्भ पर एक प्रदर्शनी लगाई तो मेरा अच्छा कलेक्शन था अच्छा काम था मेरा कुंभ पर तो उस प्रदर्शनी में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर एल हंगरू जी थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसका उद्घाटन करें वो कला की बहुत कद्र करते थे आ, वो आए उन्होंने प्रदर्शनी देखा हांगलू साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक एक तस्वीर पर रुक करके वो उन्होंने देखा उसमें रुचि दिखाई और जब वो मंच से बोलने लगे तो उन्होंने एक एक तस्वीर का जिक्र किया और उसका एनालाइज करके उस पर चर्चा की तो मुझे अच्छा लगा कि एक व्यक्ति हम लोग आमतौर से किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो वो आते हैं और फीता काटते हैं कोई बड़ी पर्सनैलिटी होती है अच्छा मीडिया कवरेज मिलता है और वो चले जाते हैं लेकिन उन्होंने आर्ट को समझा या देखा उसे इनक्रेज किया क्या नहीं तो ये बहुत कम हो पाता है आमतौर से उसके बाद वो मेरे काम से इतने प्रभावित हुए कि उनके जाने के बाद ही उन्होंने मेरा नाम उसमें प्रस्तावित कर दिया छब्बीस जनवरी रिपब्लिक डे पर विश्वविद्यालय ने एक परंपरा शुरू करी थी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस तो विभिन्न फील्ड के लोगों को वो देते थे उसमें कला और संस्कृति के भी लोगों को वो अवार्ड देते थे तो पहली बार फोटोग्राफी को रिकॉग्निशन मिली वो रिकॉग्निशन मुझे कम था फ़ोटोग्राफी को ज़्यादा पहचान मैं ऐसा मानता हूँ और uh, उसे मैं अपने सीने से लगा के रखूँगा तो सर जब हम कला और फोटोग्राफ़ी की बात कर रहे हैं आपकी एग्जीबिशंस की बात कर रहे हैं अभी के दौर में हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे कला का ह्रास होता जा रहा है लोग अपनी कला को भूलते जा रहे हैं और अभिव्यक्ति पर हमारा ये मोटो है कि हम कलाकारों को उनकी कला से और लोगों को भी उस कला से जोड़ सकें इस पर सर आपके क्या विचार हैं ये बात बहुत गंभीरता से महसूस की जा रही है कि अब लोग रातों रात फेमस होना चाहते हैं पहले कला की साधना होती थी बहुत ज़्यादा रियाज और साधना के बाद पहचान बनती थी कलाकार की लोग उस रास्ते से मेहनत से और रियाज से गुरु शिष्य परंपरा होती थी गुरुओं को बहुत तवज्जो दी जाती थी और अंत तक गुरु के साथ चलते थे आर्टिस्ट लोग अभी क्या है लोग गुरु का साथ लेते हैं अभी पूरी कला सीखी भी नहीं वो खुद गुरु बनने लगते हैं गुरु। तो ये जो तत्काल में जल्दीबाजी में रातों रात फेमस होने की अब जो भूख बढ़ गई है और ये जो सोशल मीडिया आ गया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया इसने इस काम को बखूबी कर दिया है कि मीडिया में आप अगर चर्चित हो गए तो आपकी पहचान बन गई तो आप भले ही पूरी प्रक्रिया से तप करके कलाकार बने कि नहीं उस तप कर कलाकार बनने की प्रक्रिया में आप बहुत कुछ साधना करते हैं कुछ नया खोजते हैं कुछ अपना अलग स्टाइल डेवलप करते हैं लेकिन अभी क्या है कि जो नया दौर चला है वो सोशल मीडिया का और उसके साथ मीडिया की जुगलबंदी है कि मीडिया जिसे भी चाहे रातों रात आर्टिस्ट बना दे तो अब साधना कम हो गई है अब सेल्फ प्रमोशन ज्यादा हो गया लेकिन लेकिन अभी भी कला की साधना करने वाले लोग हैं गंभीर लोग हैं वो अपनी साधना और कला की तपस्या कर रहे हैं इसीलिए कला अभी भी जीवित है और वो आगे जीवित रहेगी सर बिल्कुल सही कहा आपने कला के प्रति सजगता ही उसको जीवित करने में कारगर होती है सर इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कला के बारे में हमने बात कर ली फोटो जर्नलिज्म के बारे में बात करी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इसके अतिरिक्त आप और क्या करना पसंद करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं देखिए इतने लंबे अरसे तक फोटोग्राफी विधा से जुड़े होने के दौरान ये भी समझ में आया कि तमाम कला से जुड़े लोगों का आपसी संवाद बहुत जरूरी है मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां विभिन्न विधाओं से जुड़े लोग एकत्रित हों समय समय पर एकत्रित हों और कलाओं के अंतर संबंध पर बात हो एक कला को आगे ले जाने के लिए तमाम अन्य कलाओं से हमें सीखना पड़ता है अन्य कलाओं की खूबियों को उनकी तमाम ऐसे तत्वों को हम आत्मसात करते हैं और उसको लेकर के अपनी कला को और निखारने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए जहाँ पर विभिन्न कला के साधक लोग एकत्रित हों उस पर बातचीत हो और सब लोग मिल कर के अपनी अपनी कला में कैसे इसको और आगे ले जाएं और समाज के लिए कैसे और ज़्यादा सार्थक हो तो ये होना ज़रूरी है इस पर आगे काम किया जाना चाहिए सर बहुत अच्छी बात है ये सोच बहुत अच्छी है आपकी जाते जाते सर मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक मैसेज या एडवाइस जो आप अपनी तरफ से देना चाहें सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि कला को समझना एक बड़ी बात है मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पर फिल्म एप्रिसिएशन की कार्यशाला चलती थी फिल्म क्या अच्छी होती है ये समझने के लिए उसके पैमाने बताए जाते थे और किन पैमानों पर हम किसी चीज़ की को अच्छा बोलें या ख़राब करें बताएं। आज जो नया ये सोशल मीडिया आ गया है मोबाइल फ़ोन आ गया है उसमें कला का बहुत तेज़ी से भ्रास हो रहा है कोई भी व्यक्ति मोबाइल कैमरा बाहर हाथ व्यक्ति के हाथ में है लोग फोटो खींचते हैं फेसबुक पर डालते हैं और एक वो चल रहा है रेस चल रही तू तु, तुम मेरी लाइक करो हम तुम्हारा लाइक करें और उसमें कला कहीं पीछे छूट गई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दबा रहे हैं लोग और ज़्यादा लाइक मिल गई तो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हम तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं तो जो मूल तत्व हैं कला के पर्टिकुलरली अगर फ़ोटोग्राफी की बात करें तो उसको आर्ट अप्रिसिएसन के कुछ पैमाने हैं अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी सोसाइटी के लिए कई बार तो मैं हथियार डाल देता हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये फोटोग्राफी अच्छी नहीं है उसके बावजूद उस फोटोग्राफी को जिसने खींचा है वो सोशल मीडिया पर उसकी रेटिंग बहुत ऊपर जा रही है उससे नए सीखने वाले लोगों को गलत दिशा मिलेगी वो भी उसी दिशा में जाएंगे तो ज़रूरी है कि जो लोग कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं स्थापित लोग हैं वो इस नई पीढ़ी को ज़रूर ताकीद करें उनको टोकें और अच्छी कला क्या है इसका प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है तो मैं यही लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जिस भी विधा में हैं उस विधा में बिल्कुल आगे बढ़िए सबको अच्छा लगता है अगर उनकी उनके कला को पसंद किया जाता है लेकिन अच्छी कला क्या है ये जानना ज़रूरी है और अगर कोई उस कला का सिद्ध व्यक्ति उनको टोकता है ताकीद करता है तो उसको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए सो so, बिल्कुल सही कहा आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और अभिव्यक्ति पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम आशा करते हैं कि आपसे एक बार फिर अभिव्यक्ति के स्टेज पर मुलाकात होगी और आपसे तमाम बातें हम फिर करेंगे जी बहुत अच्छा प्रयास है आपका और अच्छी कला को प्रमोट करने का जो काम लैब एकेडेमिया ने शुरू किया है ये बहुत इसकी सराहना की जानी चाहिए और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया पहली बार मैं किसी व्यवस्थित इंटरव्यू में बैठा हूँ इसके लिए इस ये अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो ये थे मिस्टर एस के यादव जिनसे हमने जाना सोशल मीडिया की चकाचौंध से हटकर हमें कला को अपने अंदर जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ तब तक के लिए देखते रहिए अभिव्यक्ति मेरे यानी शिफाली दुबे के साथ